तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक हीट का। अब भाई स्पेसिफिक हीट के बारे में तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर यूनिट मास, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास चाहिए होता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसी बॉडी का टेम्परेचर। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। द स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस किसी एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना ऊष्मा का जरूरत है पर यूनिट मास, ये आपका बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे मैंने गलती से प्रेशर लिख दिया, यहाँ पे हीट होगा। और यहीं पे आप ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं सीपी और सीवी का, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यही जो स्पेसिफिक हीट है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम नाप रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको सी सफिक्स पी बोलते हैं, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख रहे हैं सी सफिक्स वी बोलते हैं। और यहीं से फिर आर का कॉन्सेप्ट आता है, जो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन में हम देखे थे सीपी बाई सीवी। कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है 8.314 समथिंग। अब इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो इसके केस में सीपी जो है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल हो जाता है सीवी के। और अगर गैसेस की बात करें तो जो आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। अब इसका ही डेफिनेशन यहीं पे दिया हुआ है, मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो इसको एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन देखने में कुछ नहीं जा रहा है। कांस्टेंट प्रेशर, ये जो आपका सीपी है, इसका क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ऊष्मा पर यूनिट मास जो ज़रूरत है किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे, इसको सीपी बोल दिया हम लोग। उसके बाद में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या है, सीवी बोलते हैं इसको। ये भी सेम डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कितनी ऊष्मा चाहिए पर यूनिट मास जो कि किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे कांस्टेंट वॉल्यूम में। ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, डिफरेंट आपके मटेरियल के लिए चेंज होते रहते हैं।